ये हैं बल्तिस्तान की वुमन ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत करने वाली खातून। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम मरियम बतूल एनी। इनके तीन मुजाहमती कारनामे हैं। पहला मुजाहमती कारनामा स्ट्रिक्ट मेल डोमिनेटेड और रिलीजियस सोसाइटी में ब्यूटी सैलून्स का इब्तिदा किया। मेरी नानी जो है शिमला की थी, वो यहाँ की ब्राइड तैयार करती थी बल्तिस्तान में। ज़ाहिर पहले इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन उनको देखते हुए मुझे भी बहुत शौक चढ़ा कि इसको क्यों ना मैं एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को अपनाऊं। तो मैंने अपने घर के बरामदे में छोटा सा एक मिरर के साथ, वन चेयर्स और मिरर के साथ मैंने स्टार्ट लिया। इनके सैलून के खिलाफ बहुत फुतवे लगे, मगर ये डटी रही। आज इनको देखा देखी बल्तिस्तान में और भी खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स खोला हुआ है और अपना रोजी रोटी चला रहे। दूसरा मुजाहमती कारनामा इनका क्लोथिंग ब्रांड गुल खातून है। हमारी सोसाइटी में बिजनेस वुमन पे बहुत तोहमतें लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने स्ट्रगल जारी रखा और ब्रांड को कामयाब कर दिया। घर के बाद जो है मार्केट में मैं आई, अपना एक बिल्डिंग मैंने हायर किया था, उसमें 3 स्टार वुमन आर्ट एंड स्टाइल के नाम से मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था। उसमें जैसे कि स्टिचिंग वगैरह भी और भी बहुत सारे काम उसमें होते थे सैलून के अलावा, क्योंकि एकदम से माशरे में अगर मैं सिर्फ सैलून के लेके आती तो शायद मुझे करने ना दे या फिर कुछ मुखालफत लोग करते। उसके बाद जो है खवातीन में इतनी अवेयरनेस आई कि लोगों ने और भी लोग जो है मार्केट लेवल पे आ गए। और तीसरा मुजाहमती कारनामा इनका फोटोग्राफी स्टूडियो है। जब मजहबी रहनुमाओं ने कहा था अपनी तस्वीर बनवाना गुनाह है, उसी दौरान इस खातून ने पूरा फोटोग्राफी स्टूडियो खोला। इनके स्टूडियो के बोर्ड को बहुत दफा बलवाई ग्रुप्स तोड़ते रहे, लेकिन ये डटी रही। फर्स्ट लेडी वुमेन हूँ जिसने बल्तिस्तान में फोटोग्राफी और ब्यूटिशियन का बिजनेस शुरू किया। यहाँ पे हिजाब का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें ये था कि खवातीन को ये था कि बहुत अच्छी तरह तैयार होते, लेकिन किसी मर्द से फोटोशूट कराना उनके लिए प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से जो है फोटोग्राफी सीखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है प्रोफेशनली वो एक फोटोग्राफर है। और मैं दुल्हनों को तैयार करने के बाद उनके फोटोशूट वगैरह में करती थी, घरों में, आउटडोर, इनडोर। आज अपने तीनों हुनर 1000 से ज्यादा खवातीन को मुंतकिल कर चुकी हैं और उनको माशी तौर पर खुद मुख्तार बना चुकी हैं। सबसे पहले मैं इदारे का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एनी ब्यूटी सैलून का और नेविटेक का, जिसने बहुत हमारे साथ ताउन किया और हमारी सलाहितों को आगे लाने के लिए हमें 6 महीने का कोर्स दिया। अगर बल्तिस्तान के गांव की माँ, बेटी, बहन वुमन ऑफ रेजिस्टेंस बन सकती है तो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन क्यों नहीं। इस सीरीज के बाद हमारी अगली धमाकेदार सीरीज आने वाली है 30 स्टील मैन। अपने गांव की आयरन लेडी की कहानी कमेंट में एक्सप्लेन कर दें ताकि हम उसकी भी स्टोरी मंजर आम पर ले आ सकें। हम एक चैलेंज कर रहे हैं, 30 हिडन आयरन लेडीज की कहानियां आपके सामने ला रहे हैं। ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी इस वीडियो को आगे फैलाने में। अगर आपने हमारे 30 खानों की सीरीज नहीं देखी है तो भाई आपने क्या किया है, और भाई को इंस्टा में फॉलो मारे।